हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं बुआ है, मैं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले एल्विश यादव न्यू एडिटेड वीडियोस पर, जो कि आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली प्लेग्राउंड सीजन 4 के विनर हैं पीटी एंड्रॉइड फ्रॉम भाई कैसे हो आप? सो पंजाबी ठीक समझ लेने भाई? अरे नहीं भाई, देखो वॉयलेंस करने का ना, मैं तुम्हें अच्छी चीज भी बताता हूँ और बुरी चीज भी बताता हूँ। अच्छी चीज तो यह है कि फॉलोअर बढ़ जाते हैं। फॉलोअर के नहीं है, पर मैंने फॉलोअर। बुरी चीज ये है कि तुम्हारे उतने हैं नहीं फॉलोअर की। पहली गल के किसी ना मेल जोड़ नहीं मेरा बड़े कारण डूबिया तां एलविश एलविश यादव नॉट माय काइंड ऑफ फ्रेंड। यार हिमांशु की जरिए हमारे आगे से एक और हिमांशु से 1001 ऐड कर। हरियाणा हंटर्स अगर टॉस जीती तो पहले क्या करती? हम तो पहले मारते। जब हरियाणा की बात करते हैं, दूध मक्खन मलाई और साथ में आती है पिटाई, तैयार है आपकी टीम? पिटाई करने के लिए ऑलवेज रेडी। क्या मंत्र है आपकी टीम का? हमारा जय श्री राम। वाला मजेदार चेज रहने वाला है एल्विश, मेरे को क्वेश्चन नहीं। मजेदार चेज रहने वाला है बहुत ज्यादा। अभी बस ओपनिंग बजाने वाला हूँ मैं, देखते क्या होता क्रिकेट है। आई थिंक इट्स अ सॉफ्ट। जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी सेंशन जो यूट्यूबर हैं और बिग बॉस के हमारे सबसे बड़े बॉस बैठे हैं इधर। सॉरी क्या हो, लेकिन ऐसे कैसे आ गए यहाँ पे? इतने कैमरे लग रखे हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ज्यादा जोश चढ़ रहा है, मतलब जोश उतार रहे हैं। वो तो पता होगा आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता। एल्विश यादव तो पता ही होगा। आजा भाई, आजा भाई, लेट हो रहा, आजा। क्या भाई से भाई इसका? हाँ छे छे फुटे कद लुक डोप बलिए लुटदा हाथ लिए रोप बलिए कतलान लौंडा है जो कह रहा है कि अपन अभी सिस्टम हैंग करेंगे। का सिस्टम हैंग करेंगे? इस बंदे का सिस्टम हैंग करने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ। अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? प्रेशर तो आ गया है, टॉस के टाइम भी अभी बाकी है। मेरी पिच रन लग रहे हैं, बॉल हवा में, अरे डाल दिया। चलो तो चलते हैं, आखिरी बार इनको देख के आते हैं रियलिटी चेक। वन लास्ट टाइम, यस आखिरी बार तुम्हारा होगा भाई, मैं तो अगले सीजन फिर आऊंगा। डर किससे लग रहा? कौन सी टीम ज्यादा कॉम्पिटिटर? भाई डर मुझे लग रहा अपनी टीम से, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया खेलती है, मगर कभी ज्यादा बढ़िया खेल के दूसरों का मनोबल तोड़ दे। एक OTT3 भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है इसके सीजन में भी, मेरे सीजन में भी। और ट्रॉफी भाई इस बार पक्का लेगा। ट्रॉफी इस बार ही हरियाणा है, बैक टू बैक हरियाणा के छोरे। ECL जीते हम, ये वाला भी जीते। ਸੀ ਬਣੋ ਵੀ ਪੱਗ ਠੱਗ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ।
आई थिंक एल्विस से वो जो स्टाइल है ना उसके गाने में, वैसा चश्मा पहनता होता वो सब जो स्टाइल है वो सब लाइक आई थिंक यूट्यूबर्स में बहुत कम लोग ऐसे स्टाइल मारते हैं। और भाई ये दो तीन ऑटो वाले क्या कह रहे हैं कि कैरी जीतेगा, जब यहाँ पे राव साहब आ चुका तो कैरी पैरी कैसे जीतेंगे भाई। नहीं मुझे वो निकालना नहीं ना, मुझे वो डर रखना है सदा अपने मन में कि किसी से तो डरे, हम डरे ही ना किसी से। ये पूछूंगा कि आपकी जिंदगी में खुशी का मतलब क्या है, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से? देखो खुशी एक शर्मा थी और एक लड़का है एल्विस, आज के दिनों में वो एक महान हस्ती बन चुके हैं। उनकी कहानी बहुत बहुत बड़ी है, मंत्रियों से कहानी है, काफिलों की कहानी है, डेली ब्लॉगिंग की कहानी है, डेली रेस करने की कहानी है, बहुत ज्यादा कहानी है। उसी सब चीजों को जोड़ के वो बोलते हैं एक सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम के अंतर्गत सभी को रहना पड़ता है। हार जीत चलती रहती है लाइफ में भाई, अपने रो के निकल जाओ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। एक ही कैरेक्टर अगर मेरा वो फटा, एल्विश का फटा, मैं 24 घंटे हर वीडियो में 10 वीडियो में एल्विश पे ही बना सकता था। और उसकी ऑडियंस है भाई, और वो व्यूज भी फाड़ती बहुत ऑडियंस। बिल्कुल सही बात है यार। और पीछे से मैं सुन रहा था कि यहाँ पे भाई कोई शेर है, कोई शेर नहीं है, बट अब आ गया रिंग मास्टर, शेर शेरनियों को नचाने वाला। अब क्राउड देखो कि हमने देखा है क्रिकेटर को सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन जो दूसरे एक अलग चीज में उन्होंने अपनी एक मुकाम हासिल, पता चलता है एल्विस एल्विस चारों तरफ हो रहे। मैं तो खुद बड़ा फैन हूँ उनका। भाई अभी पोज मार रहे हैं हम लोग, और एक हफ्ते बाद ऐसी ट्रॉफी के साथ मारेंगे। अगले हफ्ते ये वाला हाथ होगा मेरे हाथ में, और वो वाले हाथ में होगी ट्रॉफी। हाय अलीश भाई, यही करने आया हूँ, यही करना है, यही करना है, ऐसे हाथ उठाऊंगा। सीजन 4 द विनर है इंडिया, जो वीडियो गाओ करके भी दिखाया हर बार की तरह। तो OTT 2 और 3 का कंपैरिजन, आई डोंट नो, आई एम नॉट वॉच द सीजन, बट जितना मुझे पता है मेरे सामने एल्विस को थप्पड़ पड़ता है या एल्विस के सामने मेरे को थप्पड़ पड़ता है तो हम दूसरे बंदे को उल्टा थप्पड़ मारते हैं। एल्विस से मिलो, उनके सिर्फ बातों में ट्रॉफी है, हाथ में नहीं आने वाली। फाइनली 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 तो हाल ही में फैज बलोच का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आपके लिए चूड़ियाँ भेजने वाले। फैज बलोच ने बोली yes. यार फैज बलोच भाई की चूड़ियाँ वैसे अभी तक रिसीव नहीं हुई, मैं क्या कहते हैं उसको, मैं ढूंढ रहा हूँ वो चूड़ियाँ कहाँ पे रख के भूल गए, मेरे हिसाब से खुद पहन ली होगी। बाकी भाई की शादी होगी फैज बलोच भाई की, तो मैं उनके लिए नहीं भाभी के लिए चूड़ा जरूर सलमान खान और शाहरुख खान। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगा एल्विश करके एक लड़का बहुत अच्छा आदमी है भाई। मजाक मस्ती थोड़ी करूंगा ध्रुवराठी के साथ में, मजाक मस्ती का टाइम तो सुने पुराना हो गया, अब जंग होगी भाई साहब, अब जंग होगी। भाई साहब आपके घर में अगर कोई ट्रॉफी हो तो बचा के रखिएगा, क्योंकि एल्विस आएगा तो वो ट्रॉफी भी जीत जाएगा, ये ट्रॉफी भी तुम्हारे नाम, विजन 11 ईसीएल की ट्रॉफी, आई लेट यू जॉइन द टीम। हमारे बीच में कुछ हुआ भी था क्या? बिल्कुल हुआ था भाई। किस बात पे हुआ? लड़ाई हुई थी, लड़ाई थोड़ी थी, वो तो एक तरफ मारपीट थी। है
मतलब मिच फैट को भी पता लग गया कि जब तक एल्विश नहीं बनूंगा तब तक कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। सारी वीडियोस हर बार की तरह फुल ऑफ एटीट्यूड थी, सारी वीडियोस में आग लगा दी। और एल्विश हर बार की तरह इस बार भी जीत गया, और जो जिस भी शो में एल्विश आता है उस शो को जीत कर ही दिखाता है कि तो इस बार मैं इनकी तो जितनी तारीफ करेगा। तो गाइस आप बताना आपका हमारा रिएक्शन कैसा लगा। मैंने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।